वेलकम टू पेट गैस किचन। आज हम बोविन खट्टी की सब्जी बनाएंगे, जो कि आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन आज हम उसे कुछ डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। उसके लिए लगने वाली सामग्री है, मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है और 1/4 कप कसावा पनीर है वो लिया है मैंने। और यहाँ पर मैंने मगज 1 टेबल स्पून मगज का पाउडर लिया, उसको दूध में भिगो दिया, और 2 टेबल स्पून दही लिया, खट्टा नहीं है, और 1 1/2 टेबल स्पून क्रीम दी है, घर की मलाई है, दूध वाली वही है, और डेसिकेटेड कोकोनट मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी ली है, और 1 1/2 टेबल स्पून टमाटर पाउडर है, और 1/4 टीस्पून से भी कम काली मिर्च पाउडर है, और हींग लगेगी यहाँ पर, चिली फ्लेक्स हैं थोड़े से, और 1/4 टीस्पून से भी कम गरम मसाला है, सूखा धनिया पाउडर है, सूखी कसूरी मेथी है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर धनिया जो कि मैंने दरदरा कर लिया है, और थोड़ी सी मैंने सौंफ ली है, और उसमें तेल लगेगा और दूसरे मसाले लगेंगे, तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले गट्टे के लिए डो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए बेसन एक बर्तन में निकाला है मैंने, फिर उसमें अपन 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून अपन को ऑयल डालना है। आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, मैंने यहाँ पे मूंगफली का रिफाइंड ऑयल लिया है, थोड़ी सी 1/5 हींग पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून नमक लिया है, ये दरदरा किया हुआ धनिया, सौंफ, और इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, 1 पिंच गरम मसाला और 1 टीस्पून इसके अंदर अपन दही डाल। अब अपन इसको पानी के साथ इसको मिक्स करके डो तैयार करते हैं। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारे मसाले। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको, क्योंकि बेसन को डो लगाने में अपने को पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, और अपन ने 1 टीस्पून लगभग दही डाल दिया है, तो अपने को थोड़ा सा ही डालना है, उसमें ही ये तैयार हो जाएगा। जैसा बेसन के गट्टू के लिए तैयार करते हैं वैसे ही करेंगे, अपने मैं बताती हूँ कैसे तैयार करना है। ये अपन ने एक सख्त डो तैयार कर लिया, ताकि बेलने में आसानी होगी। आप देख सकते हैं इस तरीके का मैंने डो तैयार करा है। अब अपन इसकी फिलिंग की तैयारी करते हैं। अपन गोविंद गट्टी के लिए स्टफिंग तैयार करते हैं। ये जो अपन ने कसावा पनीर लिया उसको लेना है, फिर इसमें अपन सीजनिंग मसाला मिलाते हैं, हल्का सा नमक, ये 1/4 से थोड़ा सा कम लिया मैंने, काली मिर्च पाउडर जो अपन ने 1/4 से भी कम लिया था वो सारा इसी में डाल देते हैं, चिली फ्लेक्स, पीसी भी चीज फ्रूट। अब अपन इसमें अब थोड़ा सा ये सूखा धनिया पाउडर। अब इसको इस इन घट्टों में क्या स्पेशल है कि अपन एक तो कोई भी हरी वनस्पति यूज नहीं कर रहे हैं, और ये घट्टे होंगे स्प्रिंग रोल की तरह, ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। तो ये हो गई अपनी फिलिंग तैयार। अब अपन इसकी गट्टे के अंदर फिलिंग भरते हैं। ये डो है, मैंने इसको अच्छे से दबा के एक गोला बना के इसको थोड़ा हाथ से दबा के चारों तरफ से इस तरीके से बना लिया। अब अपन इसको बेलते हैं ताकि इसके अंदर अपन स्टफिंग भरकर स्प्रिंग रोल तैयार कर सकें।
पूरा बेल लिया, एक ये पूरा यहाँ पर चिपक चुका है। तो अपने को क्या करना है, कैसे एक इसी तरीके सांप धागा लेना है, फिर अपने को इसके नीचे डालना है, ये आगे ऐसे घुमाते हुए इसको पूरा एंड तक निकाल दिया। अब ये पूरा उतर चुका, आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके का बेला है, ना ज़्यादा मोटा है ना पतला है। अब अपन को इसके ऊपर स्टफिंग फैलानी है, अब अपन स्टफिंग लगाते हैं। इवनली फैला दिए चारों तरफ। अब अपने को इसको फोल्ड करना है, हल्के हाथ से करना है क्योंकि इसके अंदर मॉइन है। तो अपने को बहुत हल्के हाथ से दबाते हुए इसको पूरा इसी तरीके से घुमाना है। गट्टे तैयार करते हैं, तब तक मैंने यहाँ पर एक ग्लास भगोनी में पानी लिया है, इसको अपन गैस पे रखते हैं ताकि गट्टे स्टीम कर सके। अपना ही सिलेंडर तैयार हो गया, इसको अगर अपने को पतला करना है तो इसी तरीके से दबा दबा के हल्के हाथ से दबाना है, वरना स्टफिंग निकल सकती है। तो ये इस तरीके से बस इतना ही होगा ये, और यहाँ से अगर स्टफिंग निकलती है तो थोड़ा सा इसको दबा दें। ये अपने को तैयार हो चुका है, और ये इतनी सी अपनी स्टफिंग बची है जो गार्निशिंग में काम लेंगे। अब अपन इसको चाकू से पीसेस करते हैं, छोटे बड़े अपनी मनपसंद से आप काट सकते हैं। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से बनेंगे कुछ, इसको बस हल्का सा प्रेस करते हैं ताकि स्टफिंग बिखरे गया। ये हो गया, इसकी हर लेयरिंग के अंदर अपने को स्टफिंग मिलेगी पनीर की। इसी तरीके से अपन सारे कट कर लेते हैं, ये सारे कट कर लिए हैं, अपने को इसी तरीके से कट किया और दबाना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्प्रिंग रोल की तरह दिख रहा है ना, इसी तरीके से अपने को दबा दबा के सारे तैयार कर लिए। अब अपने को इनको स्टीम करना है, तो स्टीम के लिए मैंने यहाँ पर ये जाली की प्लेट ली। अगर आप स्टीमर में करना चाहें तो स्टीमर में कर सकते हैं। अब अपने को इसी तरह इनको सारे रखने हैं इसके अंदर, फिर स्टीम करने रखते हैं। भी उबाल आ चुका है, आपने ये तैयार इसके ऊपर रखना है और फिर कोई भी ढक्कन लगा दे। अभी इसको 5 से 7 मिनट इसको इसी तरीके से मीडियम आंच पर स्टीम होने देते हैं। खट्टे बॉईल हो रहे हैं तब तक अपन तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने एक यहाँ पर कढ़ाई ली है, इसमें 1 टेबल स्पून, 2, 3 टेबल स्पून, 3½ टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। ऑयल को गर्म होने देते हैं। जो अपना ये दही बचा था उसके अंदर अपने को थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर 1 टीस्पून है, 1/2 टीस्पून, और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैंने 1/2 टीस्पून लिया। ये तैयार गोल तैयार कर लेते हैं। अब तेल अपना गर्म हो चुका है, मैंने गैस सिम पे कर दिया है। अब अपने को ये 1/4 टीस्पून राई डालना है, और थोड़ा सा जीरा, और जो अपन ने ये तैयार मसाला करा अब इसको अपन पकने देते हैं 5 से 2-3 मिनट इसको पकने देते हैं मीडियम आंच पर। इसी तरीके से हिलाना वरना दही फट जाएगा, तो हिलाते हुए पता है। पर 1 पिंच हींग लिए इसको अपन पानी में घोल देते हैं। पानी में घोलने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, तो फिर इसको पानी में घोलने देते हैं। अपने ये मसाला भी होना तैयार, आप देख सकते हैं कि जो तेल छोड़ने लग गया है। अब अपन को इस स्टेज पर ये
अपन ने कोकोनट पाउडर लिया था वो डालना है। मिक्स करना है। जो अपन ने ये टमाटर पाउडर लिया था वो डालना है। मगज पाउ जो बोला अपन ने दूध के अंदर वो डालना है। अभी ये हींग बुल चुकी है, अब इसको इसमें डालना है। हींग चाहे तो अपन आप तेल में भी डाल सकते हैं पहले, वरना इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हींग का। अब अपनी ये क्रीम डालनी है। तेल छोड़ने लगे तब तक पकने देते हैं। लिड ढक के पकने लिड में आप देख सकते हैं एकदम तरी छूट चुकी है अपनी। अब अपने को इसमें पानी डालना है। ये मैंने यहाँ पर 1 फुट कर दिया है, गैस फुल किया है मैंने अभी, और 1 फुट का भी वो डाल। अब इसको वापस ढककर उबाल आने देते। गट्टे भी स्टीम हो चुके हैं, आप एक बार चेक कैसे करना है अपने को इसमें डालेंगे। एकदम साफ आ रहा है ये, मतलब बॉईल हो चुके हैं ये, देखिए बॉईल हो चुका है। अपन गैस बंद करते हैं। इसको उबलते हुए 4-5 मिनट हुए, आप देख सकते हैं एकदम तरी छूट गई और इसकी कंसिस्टेंसी देखें आप, ग्रेवी अच्छी हो गई एकदम। अब अपने को इसमें जो अपने तैयार करते हैं वो डालना है। गट्टे डाल दिए हैं। अब जो अपनी ये कसूरी मेथी है और धनिया पाउडर है सूखा हुआ और हल्का सा गरम मसाला है 1/4 टीस्पून से भी कम है यहाँ पर, वो सब इसमें डाल दिए। अब अपने को अगर आप हल्का सा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं या गुड़ डाल सकते हैं, ताकि जो उसके अंदर सारे मसाले वो सब बैलेंस हो जाएंगे। मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है। अब इसको अपने को 2 मिनट के लिए बस ढककर पकाना है। 2 मिनट हो चुके हैं, देख चुके सब्जी तैयार है, अपन प्लेटिंग करते हैं। गोभी गट्टे बनकर तैयार हो गए। जो अपन ने पनीर बचाया था वो गार्निशिंग के लिए यूज कर लेते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी है, आप लच्छे पराठे के साथ, कुलचे के साथ, किसी भी सब्जी की, किसी भी रोटी के साथ आप इसको रैनिश कर सकते हैं। ये बहुत खाने में बहुत लजीज है। और इसके अंदर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अगर जब अपन इसको फोल्ड करते हैं गोइंग गट्टे का पिनवील बनाते समय, तो वो सावधानी से करें और फिर बाद में दबाकर अच्छे से कट करें। ये सब्जी रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई, लाइक शेयर और कमेंट करके बताएं कि ये सब्जी कैसी बनी बिना हरी सब्जी के, क्योंकि इसमें कोई भी अपन ने ग्रीन सब्जी यूज नहीं करी है, सब सूखे ही सामान घर पे उपलब्ध थे वही करें। बस एक टमाटर का पाउडर आप स्किप भी कर सकते हैं, और अगर है तो आप डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।